कटनी जिले के उमरियापान थाना क्षेत्र के बकरिया गांव के पास मंगलवार की सुबह लगभग 8 बजे बस पलट गई, जिसमें सवार लगभग 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जबकि एक सवार की मौत हो गई। घायलों को घटनास्थल के समीप उमरियापान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। जानकारी के अनुसार बस क्रमांक MP20PA2177 को शहडोल में होने वाले राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए नागरिकों को जबलपुर प्रशासन की तरफ से कंजई बुड़ानगर से शहडोल रैली में शामिल होने भेजा गया था। उमरियापान थाना क्षेत्र के सिहोरा रोड पर पकरिया गांव के पास अंधे मोड़ पर बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें सवार 2 दर्जन से घायल हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उमरियापान में दाखिल कराया गया है। हादसे की खबर लगते ही उमरियापान पुलिस सहित लोगों ने घायलों को उमरियापान अस्पताल पहुंचाया। हादसे की खबर पर कलेक्टर रवि प्रसाद, SP सुनील जैन, SDOP मोनिका तिवारी, SDM नदीमी श्री घटनास्थल के साथ ही अस्पताल पहुंचे। ग्लोबल इंडिया TV के लिए कटनी से संवाददाता राजेश केवट की रिपोर्ट। अत्यंत दुखद घटना है, हमारा एक नौजवान साथी हमसे बिछड़ गया है। दुर्घटना हुई, बस पलट गई। ये सारे के सारे लोग आदिवासी लोग हैं और आदिवासी लोग आज बड़ा एक उत्सव मनाने के लिए शहडोल जा रहे थे राष्ट्रपति जी के साथ कार्यक्रम में, तो बीच में दुखद घटना घट गई। उसी समय में मैं तुम्हें आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि मृतक के परिवार को 4 लाख रुपये और समस्त घायलों को 50,000 रुपये शासन की तरफ से दिया जाएगा। पैसा जीवन नहीं लौटा सकता, पर हम सिर्फ मरहम रखाने का काम कर रहे हैं। इससे अधिक हम और कुछ सहानुभूति प्रकट करने के लिए नहीं कर रहे।